पहले कल की मूवी को लेकर मुझे उम्मीदें थीं, लेकिन अब मैं इतना उत्साहित हूं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। जैसे इस दूसरे ट्रेलर के शुरुआत में ही एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जाता है, जो मुझे पहले कल्प वृक्ष लग रहा था, फिर याद आया यह तो अश्वत्थ वृक्ष है, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे ही कल की अवतार का जन्म होगा। इसके बाद आता है मेरा सबसे पसंदीदा पार्ट, यह कुरुक्षेत्र का सीन। इसमें अश्वत्थामा और हाथी एक साथ दिखाया जाता है, और यह शायद वही हाथी है जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य का मृत्यु हुआ था। पर समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर अश्वत्थामा को किसने मारा, श्री कृष्ण ने या फिर भीम ने। आखिर में यह सीन जिसमें कली पुरुष को दिखाया जाता है, इसमें हम कली पुरुष के पीछे कुछ गोलाकार वस्तु को घूमते हुए देख सकते हैं। पहले मुझे लगा कि यह शायद चक्र का रेफरेंस है, लेकिन चक्र सात होते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ पांच ही वस्तु देख सकते हैं, तो शायद यह वह पांच स्थान का रेफरेंस है जिसके अंदर कली पुरुष की चेतना बसती है, जो है सोना, जुआ, शराब, कसाई खाना और वेश्यावृत्ति। और यही चेतना समय के साथ साथ अपना शरीर बदलती है।